सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अ न्यू वीडियो ऑफ डोरेमोन। तो गाइस आज मेरे पास डोरेमोन से रिलेटेड बहुत सारी मस्त और खतरनाक न्यूज़ है, जिसे सुनने के बाद आप सही में खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को, उससे पहले एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस डोरेमोन की नई मूवी कुछ दिन पहले आई थी, डोरेमोन द मूवी नोबिता इन गोल गोल गोलमाल। तो गाइस उसके सक्सेस के बाद हम लोग देख सकते हैं कि डोरेमोन की नई मूवी आ सकती है इंडिया में, और वो भी किसी दो तीन महीने बाद नहीं, अगले ही महीने मतलब अगस्त में ही हमें देखने को मिल सकती है ये मूवी। तो गाइस ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, जो भी मैं बताता हूँ आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ, तो ये भी मैं प्रूफ के साथ बताऊँगा। और जितना डेटा मैंने कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि डोरेमोन की एक नई मूवी अगस्त में आ सकती है, और इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है मेरे डेटा के अकॉर्डिंग। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या है आगे। तो गाइस अगर हम ऐसी बात करें 3 साल की 2017 से देखें, तो हर साल डोरेमोन की मूवी 2 मूवीज़ इंडिया में आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू माय डेटा, और जितना भी ये विकिपीडिया से मुझे मिला है वो सब सही है। तो यानी 2020 में 2 मूवीज़ के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है, और डिज्नी इंडिया के शेड्यूल के हिसाब से यानी 2020 में 2 मूवीज़ आनी चाहिए। तो 2020 में एक मूवी तो आ ही चुकी है डोरेमोन की, जिसका नाम था डोरेमोन द मूवी नोबिता इन गोल गोल गोलमाल। तो उसके अकॉर्डिंग तो एक मूवी आ चुकी है, यानी सेकेंड मूवी आना बाकी है। तो मेरे ख्याल से सेकेंड मूवी अगस्त में आ सकती है, क्योंकि अगर हम पिछले साल का डेटा देखें 2019 का, तो एक मूवी आई थी डोरेमोन की 1 सितंबर को, फर्स्ट मूवी आई थी 1 सितंबर को, और सेकेंड मूवी आई थी 8 सितंबर को, यानी एक ही वीक में 2 मूवीज़ आ गई थी डोरेमोन की। अगर आपको याद है तो आप देख सकते हैं, मैं अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, ये दोनों मूवीज़ आई थी इंडिया में, वो भी एक वीक में। सो गाइस जिस तरह डिज्नी इंडिया का शेड्यूल चल रहा है 4 सालों से, हर साल 2-2 मूवीज़ लाने का, वो भी एक एक 2-2 वीक पर, तो उसके अकॉर्डिंग यानी अगस्त के फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड वीक में डोरेमोन की नई मूवी आ सकती है एक और। तो गाइस ये डेटा के अकॉर्डिंग जितना भी मैंने बताया वो सारे डेटा के अकॉर्डिंग है, और डिज्नी इंडिया जितने सालों से मतलब मूवीज़ अपलोड कर रही है इंडिया में उसके सारे अकॉर्डिंग है। तो मेरे ख्याल से डिज्नी इंडिया 2020 में अगस्त में डोरेमोन की सेकंड मूवी ला सकती है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि डोरेमोन की नई मूवी आएगी या फिर ओल्ड मूवी आएगी। तो गाइस अगर हम लोग देखें 2018 से और 2019 तक की, तो डोरेमोन की 4 मूवी आई, जिसमें से 3 मूवी ओल्ड थी और 1 मूवी नई थी, जिसका नाम था डोरेमोन नोबिता और द अंतरिक्ष डाकू। तो ये मूवी नई थी, बाकी तीनों मूवी ओल्ड थी। और 2020 में जो डोरेमोन की नोबिता इन गोल गोल गोलमाल आई है वो भी ओल्ड मूवी थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि डोरेमोन की हो सकता है कि ओल्ड मूवी आ सकती है, हो सकता है डोरेमोन की नई मूवी भी आ सकती है, बट मेरे डेटा के अकॉर्डिंग और जितना कि मुझे लगता है कि डोरेमोन की कोई ओल्ड ही मूवी आएगी। सो गाइस डोरेमोन की नई मूवी आने का चांस नहीं बनता है, क्योंकि अभी बहुत सारी मूवीज़ पड़ी हैं, ओल्ड मूवीज़ पड़ी हैं डोरेमोन की, जो कि अभी इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई है। तो शायद डिज्नी इंडिया डोरेमोन की ओल्ड ही मूवी को लेके आएगा। तो गाइज़ अभी तक की जितना भी मैंने आप सभी को बताया है वो पिछले 4 साल का डेटा है, जो कि डिज्नी इंडिया के अकॉर्डिंग चल रहा है कि वो किस तरीके से अपनी डोरेमोन की मूवीज़ को अपलोड करता है, मतलब इंडिया में लेके आता है। तो 2016 से लेकर 2019 तक की डोरेमोन की 1 साल में 2 मूवीज़ तो आराम से आ जाती है। तो यानी 2020 में भी डोरेमोन की 2 मूवीज़ आएगी, जो कि 1 मूवी आ चुकी है, अब दूसरी मूवी आना बाकी है। सो गाइस और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और फैक्ट पे और प्रूफ के साथ वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगर गाइस आपको डोरेमोन के ऊपर कोई भी वीडियो बनाना है या फिर सजेशन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, एंड ऐसी हम वीडियो लेके आते रहते हैं, और प्रूफ तो बिल्कुल ही बताते हैं अपने वीडियो में। तो गाइस ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।